जो हमारा टॉपिक है वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी किसी दिए हुए कोण और उसके पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध स्थापित करना। पहले जान लीजिए पूरक कोण होता क्या है। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण और कोट पूरक कोण आप समझे होंगे, कोट पूरक कोण को ही पूरक कोण कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है, या दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो एक कोण दूसरे कोण का संपूरक कोण कहलाता है। यानी जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण कोई कहे तो 30 डिग्री, और 45 डिग्री का पूरक कोण है तो 45 डिग्री। तो आप देखिए चित्र में जो आप देख रहे हैं इसमें समकोण त्रिभुज ABC जो बना है, A और C इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। अतः कोण A का पूरक कोण C है, कोण C का कोण A है। अगर हम त्रिभुज ABC में जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B तो समकोण है 90 डिग्री हो जाएगा, तो कोण A प्लस कोण C जो हो गया वो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। तो कोण A और C का योग 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब कोण A का पूरक कोण C है और कोण C का पूरक कोण A। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस A, यानी कि इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण A। अब हम साइन 90 डिग्री माइनस A निकालना चाहते हैं। क्या होता है, किसी भी साइन थीटा का परिभाषित क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कौन है इसमें, AB, और कर्ण कौन है AC, AB अपॉन AC। अगर ध्यान से देखिए इस कोण A के लिए यही AB क्या हो रहा है, आधार यानी संलग्न भुजा, इसको क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा और एक कर्ण। कोण A के लिए संलग्न भुजा AB अपॉन AC एक इसके बराबर हो जाएगा cos A के। अगर आप cos A की वैल्यू निकालेंगे तो संलग्न भुजा AB अपॉन AC, तो इसीलिए साइन 90 माइनस A इक्वल टू क्या हो जाता है, cos A। बहुत उपयोगी है सभी क्लास के लिए। अगर ऐसे cos 90 डिग्री माइनस A निकालें क्या होता है, 90 माइनस A के लिए संलग्न भुजा कौन है, BC अपान कर्ण AC। लेकिन यही BC इसी A के लिए सम्मुख भुजा, इसी को हम लिख सकते हैं साइन A, क्योंकि साइन A के लिए सम्मुख भुजा कौन है, BC अपान AC। इसलिए cos 90 डिग्री माइनस A बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस A, सम्मुख भुजा अपान संलग्न भुजा। तो 90 माइनस A के लिए सम्मुख भुजा कौन है, AB, और संलग्न भुजा कौन है, BC। लेकिन ध्यान रहे यही इस कोण 90 माइनस A के लिए, देखिए BC क्या है, संलग्न भुजा और ये सम्मुख भुजा, इसी को हम लिख सकते हैं किसके बराबर। देखिए ध्यान दीजिए tan 90 माइनस A इक्वल टू cot A। cot A का फार्मूला क्या होता है, AB अपान BC। cot A का मान होता है AB अपान BC, संलग्न भुजा अपान सम्मुख भुजा, दैट इज cot A। ले tan 90 माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot A। इस प्रकार हम रेसिप्रोकल तो कर ही लेंगे, बाकी ऐसे समझ लेंगे cot 90 में ऐसे हो जाएगा तो हो जाएगा tan A, sec 90 में ऐसे हो जाएगा cos A के, और cos sec 90 में ऐसे sec A।